आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो गायनी ओपीडी में आ रही होती हैं उनका एक कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें पिछले दो तीन महीनों से सिर्फ स्पॉटिंग होती है और पीरियड्स नहीं आते तो इस सेशन में ये क्वेरी सॉल्व होगी कि अगर आपको स्केंटी पीरियड्स हैं या आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है तो क्या इनको पीरियड के तौर पर कंसिडर किया जाएगा या इसको जस्ट स्पॉटिंग कन्सिडर किया जाएगा फीमेल हार्मोनल साइकिल जो है वो 28 डेज़ का होता है जिसमें पहले 14 डेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली ग्रो कर रही होती है और अगले 14 डेज़ में उसकी ब्लड सप्लाई में इजाफा होता है जिसके बाद पीरियड्स आते हैं तो वो झिल्ली लूज हो जाती है या वो स्लफ ऑफ हो जाती है और पेशेंट पीरियड्स एक्सपीरियंस करता है बॉडी के अंदर अगर किसी भी किस्म का हॉर्मोनल प्रॉब्लम है अगर हारमोनस इम्बेलेंस हुए हुए हैं दैट मे लीड टू हैवी ब्लीडिंग और स्कैंटी पीरियड्स आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है कि स्कैंटी पीरियड्स को पीरियड्स के तौर पे काउंट किया जाएगा या जस्ट उनको स्पॉटिंग के तौर पे काउंट किया जाएगा अगर कोई पेशेंट रेगुलर बेसिस पे 28 डेज़ के बाद दो या तीन दिन के लिए जस्ट स्पॉटिंग भी एक्सपीरियंस करती है तो उन डेज़ को उस पेशेंट के लिए पीरियड के डेज ही कंसिडर किया जाता है यही वजह है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाने हों जो कि फीमेल हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं या हमने कोई स्पेसिफ़िक मेडिकेशन स्टार्ट करनी हो जैसे ओविलेशन इंडक्शन देनी होती है पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए तो ये उन्हीं डेज़ के अंदर हम इनको पीरियड्स कंसिडर करेंगे और इन्हीं पीरियड्स के डेज़ में हम मेडिसिन को स्टार्ट करेंगे बहुत से पेशेंट का सवाल होता है कि जी हमें तो जस्ट स्पॉटिंग हुई है हमें ब्राउनिश डिस्चार्ज हुआ है हमें बहुत कम ब्लीडिंग हुई है तो क्या ये नॉर्मल पीरियड्स हैं क्या इससे हमारी बॉडी जो है वो क्लिनज ऑफ हो गई है या नहीं हो गई तो जी बिल्कुल ये आपके इस महीने के जो हार्मोन्स थे यानी इस महीने का जो हार्मोनल साइकिल था उसमें जो हार्मोन्स की क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी इम्बेलेंस थी जिसकी वजह से एनोविट्रम की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी और आपने रेगुलर हैवी पीरियड्स की बजाय जस्ट स्पॉटिंग को एक्सपीरियंस किया या जो भी आपकी रेगुलर ब्लीडिंग का पैटर्न है उसकी उसके बजाय आपको सिर्फ स्पॉटिंग हुई है आई होप कि मैं बहुत सी खातन का जो कंसर्न होता है कि हमें सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है और हमें पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सिर्फ स्पॉटिंग भी होती है जस्ट फॉर टू टू थ्री डेज तो दे आर कंसिडर्ड एज़ नॉर्मल पीरियड्स आई होप आज के सेशन में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर स्पॉटिंग या स्केंटी पीरियड्स के बारे में आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चन हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ थैंक यू वेरी मच